पुलिस स्टेशन में लाया गया, पुलिस स्टेशन में उसको नोटिस दिया गया था धारा 323, 506, 504 और 406 के तहत। उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए अभी पुलिस स्टेशन में लाया गया और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हालांकि पुलिस के आला अधिकारियों से मेरी अभी बातचीत हुई, उनका कहना है कि उसके साथ तफ्तीश की जाएगी, छानबीन की जाएगी, एविडेंस के आधार पर उसे गिरफ्तार करना है या नहीं करना ये पुलिस डिपार्टमेंट कुछ देर बाद फैसला लेगी। लेकिन हकीकत यह है कि इस समय आदिल दुरानी पुलिस की हिरासत में है, पुलिस के समक्ष है, पुलिस के सामने बैठा हुआ है और अपने स्टेटमेंट को दर्ज करा रहा है। उस पर जो आरोप लगाए हैं राखी सावंत ने कि उसके घर से 4 लाख रुपया और कुछ ज्वेलरी लेके गई गायब हुआ था आदिल, उसके बाद आदिल ने आपने देखा होगा कि कॉम्प्रोमाइज़ की भी कोशिश की राखी के साथ, लेकिन राखी ने कॉम्प्रोमाइज़ को ठुकरा दिया। अब पुलिस स्टेशन में कल आज सुबह जब राखी से मिलने आदिल घर पे पहुंचा सेनेटरी कॉम्प्लेक्स, आप लोग जानते हैं, तो आदिल को वहां से पुलिस ने हिरासत में लिया और इस ओशिवारा पुलिस स्टेशन में लेके आई, जहां पर मामला उस पर दर्ज किया गया है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। उस पर यह भी आरोप है कि उसने किसी और लड़की के चक्कर में आके राखी को धोखा दिया, यानी उसके सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि उसको मानसिक प्रेरणा भी दी। तो ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि आदिल ने जो गुनाह किया है उसके ऊपर मामला दर्ज कर दिया गया है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। कुछ ही देर में पुलिस हमें ये बताएगी कि आदिल दुरानी को अरेस्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा या स्टेटमेंट लेके छोड़ दिया जाएगा, ये कुछ देर में साफ होगा। लेकिन हकीकत यह है कि फिलहाल आदिल दुरानी पुलिस की हिरासत में। इसमें कौन कौन सी धाराएं लगाई गई है? धारा 506, 504, 406 और 323, ये धारा 4 धाराएं हैं। हालांकि कानून के नजर में ये धाराएं इतनी सीरियस नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये ज्यादा क्रिमिनल बड़ा स्ट्रॉन्ग केस नहीं बनता है। आदिल को उसमें बेल भी मिल सकती है आसानी से, लेकिन जो कानून सलाहकार हमें बता रहे हैं ये 4 धाराएं पुलिस ने जो लगाई है ये स्ट्रॉन्ग धाराएं नहीं है आदिल के खिलाफ। आदिल को फिलहाल स्टेटमेंट लिया जाएगा, पुलिस तय करेगी कि उसको अरेस्ट करना है या नहीं करना, ये पुलिस के डिपार्टमेंट के हाथ में। मेरा सवाल ये भी है कि आदिल ने राखी को मारा है, कितना सच्चाई है उसके? देखिए, मारा है तो सच्चाई राखी ने आप लोग के सामने बता दिया, ये मुझे बताने की क्या जरूरत है। कभी कभी झगड़ों में ऐसा भी होता है कि एक दूसरे के पक्ष में लोग विपक्ष में बातें करते हैं, लोग बिल्कुल होता है, मैं मानता हूँ इस चीज को कि विपक्ष और अपक्ष जो दोनों होते हैं वो दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। आरोप की सच्चाई और गहराई कितनी है वो पुलिस डिपार्टमेंट को तय करना है, वो कोर्ट को तय करना है। लेकिन फिलहाल हकीकत तो यही है कि आदिल दुरानी यहाँ पे पुलिस स्टेशन में अपने स्टेटमेंट को दर्ज करा रहा है, पुलिस की हिरासत में है, ये छूटा हुआ नहीं है। पुलिस ने बाकायदा उसको नोटिस दे के बुलाया है यहाँ पर और पुलिस की हिरासत में है। आदिल दुरानी छूटेगा या लॉकअप में जाएगा ये कुछ देर में फैसला हो जाएगा। थैंक यू सर।